सरकार ने काम किया है, कांग्रेस साथ में सब्सिडी देते थे आम जनता को, कमर तोड़ने का काम नहीं किया कभी कांग्रेस पार्टी ने, हमेशा आम जनता को ऊपर उठाने का काम किया है, सहयोग देने का काम किया है, सारा देने का काम किया है। भाजपा सरकार गरीबों को जमीन में पटकने का काम किया है। कांग्रेस राज आने के बाद ये सारी जितनी महंगाई है डाउन करेंगे और गरीब आदमी को रोटी खाने का पूरा प्रावधान देंगे। हमारे साथ जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनिता फागना जी हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज सबसे ज्यादा जो महंगाई की मार है ये सिर्फ हमारी रसोई पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई। आज हमारी थाली में सब्जी का तो कोई नाम ही नहीं है, खाली प्याज और रोटी है, कैसे चलाएं अपना परिवार हम। और हर युवा आज सिर्फ बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं है, एकदम हर इंसान सड़क पे आ चुका है। इसके सिवा बीजेपी सरकार का और कोई काम नहीं है, सिर्फ झूठ, झूठों के सिवा। आज पेट्रोल गैस हमारी रसोई में दाल चावल चीनी हर किसी के रेट आसमान छू चुके हैं, इसके बावजूद भी आज हमारी वो हालत है कि हम कहीं के नहीं रहे। इसने सिर्फ झूठ झूठे वादे देके लोगों को लुभाकर अपनी सत्ता में आ गया और उसके बाद हमारा एक वो हाल कर दिया कि हम कहीं के नहीं रहे। धन्यवाद। हमारे साथ सीमा जैन जी हैं। सीमा जैन जी, आपने यहाँ पे जो है रोज प्रदर्शन में बैठे हैं,
क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। और आप और हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी और लॉकडाउन, इसकी वजह से जनता वैसे ही त्राही त्राही करी है, लेकिन मोदी सरकार को किसी जनता की, किसी महिलाओं की, किसी गरीब की कोई चिंता नहीं। गरीब की थाली में आज ये देखिए प्याज और हरी मिर्च के सवा कुछ नहीं रहेगा। महिलाएं गैस सिलेंडर यूज करने के बजाय लकड़ी यूज करने पे मजबूर हो गई हैं। लेकिन मोदी सरकार को सिर्फ अपने मजे की पड़ी है, और उनके जो विधायक और जितने भी उनके मंत्री हैं वो सभी धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगा रहे हैं। आज मैं भी कहना चाहती हूँ कि 2 करोड़ नए बेरोजगार धन्यवाद मोदी जी की, जनता की रसोई से, जनता की थाली से दाल और सब्जी बाहर धन्यवाद मोदी जी, पेट्रोल की कीमत 100 से बाहर धन्यवाद मोदी जी। तो इसका श्रेय कौन लेगा? जितनी जनता त्राही त्राही करी है, जितनी परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही है, इसका श्रेय भी मोदी जी को लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगले इलेक्शन में जनता उनको अच्छा सबक सिखा देगी। हमारे साथ धंधा फागना जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने आज महिलाओं की रसोई के ऊपर बहुत बड़ा डाका डाला है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, हर चीज पर महंगाई है। यहाँ तक कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार हर महीने छीने हैं उसने। लोग बाग सड़कों पर हैं, काम धंधे हैं नहीं, और मोदी सरकार महंगाई से आम पब्लिक का खून चूस रही है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाटा चौक पर किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। सरकार से बात है कि जिस तरह ये महंगाई को जो है घटाया जाए।